वेलकम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सोनी सिंह फैमिली ब्लॉग्स के एक छोटे से पार्ट में, गार्डनिंग विद सोनी में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे की। तो मनी प्लांट का पौधा, जो कि बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है, ये सूखा मनी प्लांट, यानी कि सूखा मनी प्लांट जो है वो चुटकियों में हरा भरा करेंगे। तो आइए जानें कि इसकी टिप्स क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनी प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छा, वास्तु के अनुसार भी पौधा बहुत शुभ माना जाता है। तो मनी प्लांट का पौधा घरों में खास रूप से लगाते हैं, यानी कि लोगों को ये पौधा घरों में लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए अक्सर मैंने सभी के घरों में देखा है कि ये मनी प्लांट का पौधा ज़रूर होता है। तो अक्सर ये पौधा सूख जाता है, फिर हरा करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, यानी कि पौधा जब एक बार सूख जाए तो उसके बाद इसको हरा भरा करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वैसे तो इसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बट जो भी है थोड़ा बहुत, तो मनी प्लांट को जो होती है ना, वो हल्की रोशनी, यानी उसको बहुत ज़्यादा कड़क धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको अगर हम एक बंद कमरे में भी रख दें तो भी वो अच्छे से चल सकता है, यानी कि उसे थोड़ी सी लाइट मिलने की आवश्यकता होती है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और नियमित रूप से पानी दें, यानी कि अगर हम उसको मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसको टाइम टाइम से पानी देते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी उसके ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। गमले में सही ड्रेनेज का ध्यान रखें, यानी कि अगर गमला गीला है तो उसमें हमें पानी नहीं देना है, क्योंकि इसको कम से कम अगर हमने आज पानी डाला है तो उसके दूसरे तीसरे दिन हमें पानी डालने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। समय समय पर पत्तियों की छटाई करती रहनी चाहिए, यानी कि कुछ पत्तियां जैसे कि पीली पड़ रही हैं या कोई कुछ भी इसमें दिक्कत आ रही है, तो उन पत्तियों को हमें टाइम टाइम से हटाते रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी पत्ती में कुछ भी फंगस या कुछ भी लग गया है, उसकी वजह से वो पूरा ख़राब हो जाए। हर 2-3 हफ्तों में गमलों की मिट्टी बदल सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो गमलों की मिट्टी को हर हफ्ते में, यानी कि हर 2-3 हफ्तों में उसकी मिट्टी को अगर चेंज कर दें, यानी कि उसको दोबारा से निकाल के और दोबारा से रिपोर्ट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मनी प्लांट की पत्तियों को साफ़ पानी से धोते रहें, यानी कि उसकी पत्तियाँ, जैसे कि सभी ने देखा है कि वो चमकदार होती हैं, तो अगर उनकी पत्तियों को हम टाइम टाइम से धोते रहें तो वो देखने में और भी सुंदर और आकर्षित लगेंगी। मनी प्लांट पर जैविक खाद का उपयोग करें, यानी मनी प्लांट में हमें जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए, इससे पौधा और भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब बात करेंगे पानी में लगाए जाने वाले मनी प्लांट की, यानी कि पानी में लगाए गए मनी प्लांट का पानी कम से कम 2 दिन में बदलें, यानी कि अगर हमने कोई भी मनी प्लांट पानी में लगाया है तो उसको हमें टाइम से बदलना चाहिए, यानी हर 2 दिन में उसका पानी हमें चेंज कर देना चाहिए। पानी में लगे मनी प्लांट की पत्ती पीली हो तो उसको तुरंत हटा दें, यानी कि अगर उसकी एक पत्ती पीली हो रही है तो उस पत्ती को हमें उस पेड़ से अलग कर देना चाहिए। और मनी प्लांट में हल्दी का पानी भी मनी प्लांट के लिए मानते हैं अच्छा, यानी कि हल्दी का पानी जो होता है वो भी उसके लिए अच्छा होता है। तो गाइज़, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।